हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज हम इंस्टेंट पेड़ा बनाने वाले हैं। इसके लिए हम ना तो मावा यूज करेंगे ना चाशनी। विदाउट मावा के हम इंस्टेंट पेड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक गिलास तो दूध लिया है और ये 1/4 कप घी लिया है, देसी घी। कुछ बादाम लिए हैं और ये केसर की कुछ धागे लिए हैं और ये मिल्क पाउडर है, जो कि इसी से हम 2 कप मिल्क पाउडर लेंगे और 1 कप इसमें हम शुगर पाउडर यूज करेंगे, यानी बूरा। तो इसे हम चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने गरम कर लिया है और इसको फिर गैस से नीचे उतार लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। अभी इसमें हम अपना दूध ऐड कर देंगे, जो मैंने गरम करके ठंडा किया हुआ है, इस तरीके से। थोड़ा सा दूध रखा है मैंने, हल्का सा। तो इसको हम केसर के अंदर डाल देंगे। केसर को हम दूध में थोड़ी देर भिगो देंगे, ये देखिए। अब ये मिक्स हो गया अच्छे से, देखिए। अब इसको हम गैस पे रखेंगे। तो ये देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गैस के फ्लेम को तो एकदम लो कर देंगे या ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देते हैं। और इसको हम धीरे 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 मिल्क पाउडर को इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब इसमें हम दूसरा कप जो मिल्क पाउडर लिया है वो ऐड कर देंगे। ये 2 कप हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। ये कम से कम 250 ग्राम मिल्क पाउडर है। जिस बर्तन से आप मिल्क पाउडर मतलब मेजरमेंट करते हैं, उसी से आपको शुगर पाउडर मेजरमेंट करना है। तो इसके अच्छे से पूरे लम्स खत्म नहीं होंगे तब तक हम गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। उसके बाद ऑन करेंगे। तो ये देखिए, हमने अपना पूरा दूध अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें मिल्क पाउडर, सारे लम्स खत्म हो गए हैं। अब इसका गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। आप तब तक गैस ऑन नहीं करें तब तक आपका मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से नहीं मिल जाता है पूरा, नहीं तो उसमें आप गांठे हो जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ठीक करना। अब इसमें हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे, तब तक कि कढ़ाई इसको छोड़ने नहीं लगेगी। तो इसको हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। कुछ गाढ़ा होने के बाद में इसमें हम केसर का दूध डालेंगे। इसको हम छुटाते हुए चलाते रहेंगे, नहीं तो ये लग जाएगा कढ़ाई में। तो इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है। अगर चिपक गया इसमें कढ़ाई में तो स्मेल हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया था। इसमें अभी हम अपना केसर डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा मिल्क पाउडर एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम मावा बन गया है इसका। और इसे हम 7 से 8 मिनट हो गए हैं हमें इसे लगातार चलाते हुए। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर लेना है और फिर आराम से चलाना है, क्योंकि ये फिर लगने का इसका ज़्यादा कढ़ाई में लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये इस बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है। तो इसको हम अब ठंडा करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा करने के बाद में इसमें हम शुगर पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद एक बर्तन में प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें शुगर पाउडर मिलाएंगे। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और जो मैंने बादाम लिए थे इनके हम 2 पार्ट करके रख लेंगे, कट करके। इस तरीके से हम बादाम को कट करके रख लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। तो सारे बादाम तब तक ही ठंडा होता है, हम सारे बादाम अपने कट करके रख लेंगे। इनके हम 2-2 पार्ट करेंगे बस, ज़्यादा छोटा नहीं कट करेंगे। तो ये देखिए, हम इसको अब इसमें निकाल लेंगे। स्टील की एक प्लेट ली है हमने, इसमें निकालेंगे और अच्छे से पूरा देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। उसके बाद इसमें हम अपना शुगर पाउडर मिलाएंगे। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसमें हम मिल्क पाउडर में वो मिलाएंगे भूरा। ये देखिए, ठंडा हो गया है। तो इसको हम इसमें अभी हमने शुगर पाउडर दिया है तो इसको मिक्स कर लेंगे। और आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको,
कि आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाना है। इस तरीके से सारे को मिला लेंगे। आप इसमें नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। जब तक पूरी तरीके से अच्छे से नहीं मिले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद ही इसके पेड़े बनाएंगे हम लोग। ये देखिए एकदम सॉफ्ट भी हो गया है और पूरा का पूरा पाउडर इसमें मिल गया, शुगर पाउडर। ये देखिए बस, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये देखिए हम पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने थोड़ा सा घी लगा लिया हाथों में, चिपकेगा नहीं इसकी वजह से। या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से जो हमने बादाम कट करके रखे इस तरीके से, या फिर अगर आपको छोटा बड़ा हो जाए तो इस वजह से एक स्पून लेके उससे कट करके और उससे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पेड़े बनके तैयार हैं। आप इनको किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। मैंने इनमें केसर मिक्स किया है, आप और इलायची वगैरह जो भी आप डालना चाहें दूसरे फ्लेवर में बना सकते हैं। तो थोड़े से मिल्क पाउडर में, केवल 2 कप मिल्क पाउडर से इतने सारे हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए। और आप इनका जब आपका खाने का मन करे तुरंत बन जाएंगे। केवल 10 मिनट में हमारे पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं ये। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।